हे गाइस, कैसे होते? तो गाइस, आज मैं बताया अपने एंड्रॉयड में जीटी सेंड्रेस कैसे कर सकते हो। तो आपको मेरी दी लिंक पे डाउनलोड कर लेना है, जेड आर्काइवर पे जाना है आपको। उसके बाद आपको जाना है अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर पे, जहाँ से आपने मेरे जो डाउनलोड है वहाँ पे, जहाँ से अपने यूसीवर से जहाँ से भी करा है आपको, यहाँ तो यूसी डाउनलोड पे आना है। तो डाउनलोड्स पे जाना है, मेरा मैंने डाउनलोड्स पे रखा हुआ है, तो मैं ये डाटा फाइल को कहीं और कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दो फोल्डर्स मिलते हैं, जीट सेंड्रा डाटा, जीट सेंड्रा लाइट एपी के। तो ये सिर्फ 203 MB का है, ठीक है। और जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, फर्स्ट आपको अपने जीट सेंड्रा डाटा को एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। ये देखो, थोड़ा सा टाइम लगाएगा एक्सट्रैक्ट होने में, तो हम होने देते हैं एक्सट्रैक्ट। तो अपना वीडियो को थोड़ा सा काट देता हूँ। ये देखिए गाइस, हो चुका है। अब आपको जीट सेंडर डाटा ले फोल्डर को करना है ओपन। उसके बाद कॉन्डोर ट्रक्सा गेम जो जी टी एस है, जो कि मेन फोल्डर है। उसके बाद ये के सारी स्क्रिप्ट्स भी हैं, सारी नहीं है, कहाँ थोड़ी सी कम है, सॉरी। उसके लिए सर फाइल्स, उसका TextDB भी। तो यहाँ आपको दो तीन फोल्डर्स को रीनेम करना है। फर्स्ट आपको GT3, ये देखिए यहाँ पे रीनेम GTNT, यहाँ पे भी, और TXD यहाँ पे भी, और भी देख लेते हैं, इसको भी करना है मेन्यू मटी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फर्स्ट अपने GT3 वाले फोल्डर को ओपन कर रही है। आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद ये जो रीनेम वाला है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या रहता है कि वो जो ये रीनेम है आपको उसको हटा देना होता है। उसके बाद आपको करना रहता है ETC। अगर आपका माली है तो आपको, मतलब अगर आपका एंड्रॉयड GPU एक एप्लीकेशन है CPU Z, वहाँ पे आके देख लेना आपको कौन सा GPU है, ठीक है। अगर आपका एंड्रॉयड निकला तो आप लिखिएगा DXT, अगर आपका माली निकला तो लिख लीजिएगा ETC, अगर आपका PowerVR निकला तो आप लिख लीजिए PVR, ठीक है। उसके बाद मेरा तो अभी माली है तो मैं लिख लेता हूँ ETC, ठीक है। ETC लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर से आपको तीनों फोल्डर्स को रीनेम कर लेना है। यहाँ पे ETC जल्दी से कर लेते हैं हम, ETC के। ये होने के बाद ये आपको अपना GTA INT पे जाना है, इसे भी रीनेम करना है आपको जल्दी से। इसमें भी आपको वही काम करना है जो ने बताया था, एंड्रेनो DXT है। तो अगर आपका माली तो ETC, PowerVR तो PVR, ठीक है। तो मेरा तो अभी माली है तो ETC, ओके, ETC हो गया। उसके बाद रीनेम ETC ETC, ओके। तो मैंने इसमें कर लिया। मुझे मोबाइल वाले फोल्डर्स पे जाना है, इसको भी रीनेम कर लेते हैं अब। इसको भी आपको करना ज़रूरी है ETC। ये कैन सारे फोल्डर्स को रीनेम कर लिया है, GT3, GT NT, मोबाइल प्लेयर तो भी पहले से ही है, प्लेयर का आपको करने ज़रूरत ही नहीं है। TXD को भी कर लिया है ना, सारे फोल्डर्स को रीनेम करना कि अपने कॉन्डोर ट्रक्सटा गेम जो, आपको वापस अपने जीट सेंटर डाटा पे जाना है, कॉन्डोर ट्रक्सटा गेम जो GTS वाले फोल्डर को आप कॉपी कर लीजिए, कट मत करिएगा। उसका डिवाइस मेमोरी, उसके बाद एंड्रॉयड डाटा यहीं पे कर दीजिए। तो जब आप इसे कॉपी कर लेंगे, ये देखिए मैंने कर लिया है, उसके बाद आपको अपने डिवाइस मेमोरी, उसका आपको वाले फोल्डर में जाना है, जीट सेंडर लाइट APK को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। देखिए अब आपको इसको इंस्टॉल करना है।
ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है ये। इतनी जल्दी है इसे इंस्टॉल कर हो जाइए। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है जल्दी से। मैं इसकी स्टोरेज देख लेता हूँ। मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। रैम स्टोरेज काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा रेटिंग पूरी बात नहीं। फिलहाल भी हम जीटी सेंट्रास को ओपन कर लेते हैं। ऑफलाइन देखिए गेम ओपन हो गई है। आपको ऑप्शंस पे जाना अगर आपका फोन में थोड़ा सा हैंग हो रहा है। बैक जाना है, डिस्प्ले सेटअप पे जाना है। हो जा सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा हैंग पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन गाइज आपके फ़ोन में ज़रूर चल जाएगा। और ये नहीं पता कि मेरे फ़ोन में क्यों इतना हैंग हो रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा हैंग हो रहा है फ़ोन। गाइज तभी के लिए बाय।